हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है उषा सीड फूड में। आओ हम उड़द चने की दाल या जिसको हम माँ छोले की दाल भी बोली जाती है गुरुद्वारे में किस तरीके से प्रसाद में दी जाती है आओ देखें। सबसे पहले हमने उड़द चने की दाल को बॉईल करना होगा। वो हमने बॉईल करके रखा हुआ है, ये देख सकते हो आप, बॉईल कर लिया है। इसमें 3 से 4 सीटी लगाई है, साथ में ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हमने जीरा, कसूरी मेथी और हींग ये हमें डालना है। साथ में अब हम डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च और ग्रेवी हमने डाली है ये टमाटर की ग्रेवी यूज करेंगे। इसमें हम प्याज नहीं यूज करेंगे, ना ही अदरक, ना ही लहसुन, हरी मिर्च, और हमें डालना है सिर्फ टमाटो प्यूरी। बस इसको हम गरम कर लेते हैं और इसमें डालते हैं हल्दी पाउडर। और साथ में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। और इस ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक, साथ में हम डाल देते हैं थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और गरम मसाला हमने ऐड किया है ये MDH का। ये हमारी थोड़ी सी ग्रेवी है जो हमने इसमें यूज किया है। स्वाद अनुसार नमक, हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। और जो हमने बॉईल की हुई दाल है वो हमने इसमें ऐड कर दी है, ये उड़द चने की दाल है। और इसको धीरे 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 पकने देंगे। बस ये दाल डाल देते हैं, जितनी भी हमने बॉईल करके रखी हुई है सारी की सारी, चलाते जाएं और इसको पकाते जाएं। प्रसाद का तो क्या कहना, प्रसाद तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसमें चाहे कुछ भी ऐड ना करें, भगवान की कृपा से प्रसाद का टेस्ट तो बिल्कुल ही जबरदस्त आता है। अगर आप इस तरीके से घर पे भी बनाना चाहें तो बिल्कुल आपका सेम टेस्ट रहेगा। और इसमें हम डालेंगे अमूल की क्रीम, फ्रेश क्रीम हमने यूज की है। और इसको पकने देंगे, और पकाएंगे कम से कम 7 से 8 मिनट, 10 मिनट तक मैक्सिमम। बस इस दाल को करने दें, बहुत अच्छे से सिम आंच पर इसको पकने दें। जितना ज्यादा पकेगी उतना अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा पाउडर टेस्ट के लिए। और साथ में हम डालेंगे कसूरी मेथी। और इसमें अब हम डालते हैं देसी घी। देसी घी ऐड कर देते हैं, बिना देसी घी के तो दाल का टेस्ट ही नहीं आता। ये हमने डाल दिया देसी घी। और ऊपर से डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च, जिससे इसमें कलर आ जाए। और इस तेल के ऊपर ही हमने घी के ऊपर ही डाला है जिससे ये अच्छे से पक जाए, इसका कच्चापन ना आए। ये देखिए बहुत अच्छे से ये भून जाएगी देसी घी में लाल मिर्च। ये प्रोसेस हम सिर्फ एक कलर लाने के लिए करते हैं। ये देखिए जब
जबरदस्त, आप देख सकते हो कितना टेस्टी डिलीशियस दिखाई दे रही है दाल। और साथ में हम डाल देते हैं अदरक के लच्छे, आप चाहें तो ग्रेट करके अदरक भी डाल सकते हो घर पे। ये हमने अदरक के लच्छे डाले हैं। और इसको सिम आंच पर पकने देंगे। और इसको गार्निश